इतना अत्यंत हृदय विदारक है जो घटना 3 तारीख को रात में घटी है, और जिस घटना स्थल पर ये घटी है घटना, मैंने उसको भी अभी तक जो बगल में है देखा, अगल बगल के मकान के परिवार के लोगों से भी अलग अलग बात हुई। 3 तारीख की रात में घटना के तुरंत बाद सुबह 4 तारीख को मुझे जैसे ही जानकारी देर रात में हुई, 4 को मैंने बिहार के संबंधित पदाधिकारी और भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात किया, और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से बिहार सरकार इसमें जागरूक होकर के और इस घटना को निपटाने में लगी हुई है। जहाँ तक बात है, मैंने आज जो परिवार के साथ मिला, ये परिवार हम सब लोगों के लिए, इसमें से जो गणेश बाबू का परिवार है, जो बगल अगल के जो 2-3 परिवार और हैं, मनोज सर, ओम प्रकाश शाह, ये सारे परिवार निर्दोष है पूरी तरह से, क्योंकि इनका अगल बगल का घर था। उस परिवार में जो लोग आज़ाद इसने मकान ले लिया, और वहाँ पर जो भी मतलब बम बनाने का हो या पटाखा के नाम पटाखा बनाने का हो, और जिसमें 10 लोग मारे गए, वो घटना छानबीन हो रही है। उसमें केंद्र से लेकर के स्टेट की टीम, पुलिस की, आईबी की सारी टीम काम कर रही है, और उसमें मेरी जिलाधिकारी जी से भी बात हुई है, तो उसमें टीम छानबीन कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार निर्दोष है, जिसका कोई लेना देना उस घटना से नहीं था, दुर्भाग्य था कि बम के विस्फोट के कारण उनके मकान में हादसा हुई, मकान भी गिर गया और आहत भी हुए, कई लोग उसमें मर गए। जो गणेश बाबू एक मरे हैं, एक बुढ़िया वहाँ आकर के सोती थी वो मरी है, आयशा मंजूर, एक आयशा जो वहाँ बगल में मकान है वो बच्ची जाके इलाज में मरी, दो जो ओम प्रकाश साहब के राजकुमार और राहुल का राहुल भतीजा, ये दोनों जो मरे, मतलब ये जो 5 जो बाप बेटे बने हैं, ऐसे सारे के सारे निर्दोष परिवार, ये लोग जो हैं, अभी जहाँ घटनास्थल हुआ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए कि वो जांच का विषय पूरा है, जांच के बाद ही कोई निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। सर मुआवजा नहीं मिला है अब तक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज सेवी से मदद मिल रही है, मंत्री से लेकर विधायक तक आ गए हैं, सरकार से मदद के नाम पे दिलासा दिया है। ऐसा है, पहले तो मानवता के नाम पर सबको मदद था, समाज के लोग कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए हैं, उसमें जो भी मदद होना चाहिए, यहाँ के वार्ड कमिश्नर ये हैं, ये सब लोग मिल के कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, और समाज को खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा हुआ है समाज, खड़ा है, लेकिन सरकार ने भी कुछ दायित्व तो समझ करके और चावल और गेहूँ इन लोगों को दिया है, ऐसा बताया, खास करके ओम प्रकाश शाह के परिवार ने बताया, लेकिन ये सही है कि अभी इनको खाना बनाने का बर्तन नहीं, कपड़े नहीं, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसकी स्थिति है, ये दुखद स्थिति है। मैं इस बात को समझ रहा हूँ, और मैंने, क्योंकि मेरे 35 साल से इन सारे परिवार को मैं जानता हूँ, रिश्ते रहे हमारे, हमने एक एक परिवार के चरित्र के बारे में भी जानते हैं, कौन परिवार कैसा रहा वो भी जानते हैं, मेरी निगाह एक एक पर है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ रहा हूँ, हर घर से परिचित है, इसलिए मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, अभी तक अगर जो भी मुआवजा नहीं मिला है, या जो भी घटनास्थल का पूरी तरह से, चूँकि एक तरफ दोष बम विस्फोट का, वो आपराधिक घटना है, और जो बेचारे निर्दोष हैं जिनके घरों में टूट गया, उसका दोनों को मिला के चलना नहीं होगा, दोनों को अलग अलग देखना होगा। अपराध का अगर घटना हुई है, उसकी छानबीन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो बगल के लोग हैं उनको टैग करना, ये सर्वथा अनुचित होगा, और मैं इस विषय पर अभी यहाँ के जिला प्रशासन से, आईजी, डीआईजी, जो भी पदाधिकारी यहाँ अवेलेबल होंगे, उनको मैं बुलवाया हूँ, अलग से बात कर रहा हूँ, आवश्यकता होगी तो मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी से भी, होम कमिश्नर से भी, और मुख्यमंत्री जी से भी जाके मिलूँगा, बात करूँगा, और जो भी परिवार जल्दी से जल्दी, जो 2-3 बात मुझे लगा
एक तो उनको तुरंत भोजन खाने पीने और मेडिकल की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था सरकार मुफ्त में कर रही है। भोजन के लिए कुछ तत्पर है, समाज के लोग भी और सरकार के स्तर पर भी कुछ व्यवस्था होगी, लेकिन वो व्यवस्था, उसको और व्यवस्था करने की आवश्यकता है सर। पीढ़ी का तीसरी बात परिवार जो अपने कई दुकान है, प्रतिष्ठान है, जो टूटा हुआ नहीं है, डैमेज पोर्शन नहीं है, कुछ रोजगार उसमें कर सकता है, तो उसके लिए भी उनको रोजगार के लिए उसको मुक्त कराना। और चौथी बात कि जो डैमेज हुआ है निर्दोष, उनके परिवार को उचित मुआवजा और उस टूटे हुए मकान को, क्षतिग्रस्त मकान को सरकार उसमें कैसे उसका निर्माण हो सकता है, ये 4-5 प्रमुख मुद्दे हैं। सभी मुद्दे को बातचीत करके ही और उसको निपटाया जा सकता है। मैं एक एक विषय को लेकर के, और मैंने सारी विषय को समझा है, हम लोग जाएंगे सरकार और प्रशासन के स्तर पर बातचीत करके इस समस्या का निदान जो भी संभव है, जितना जल्दी हो सके हम लोग प्रयास करेंगे।